नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश स्वागत करता हूं क्रिकेट कीड़ा के एक और नए वीडियो में। एक सनसनाती हुई खबर आ रही है कि केदार जाधव इंजर्ड हो गए हैं और हमेशा की तरह उन्होंने अपना शोल्डर इंजर्ड कर दिया और वो रिमेनिंग आईपीएल से बाहर हो गए पिछले साल की तरह, तो उनका वर्ल्ड कप में खेलना भी अब संदिग्ध लग रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या भारतीय मैनेजमेंट अगर इनकेस वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाते तो एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे रैना और युवराज के, या बैकअप खिलाड़ियों को ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कौन जाएगा विश्व कप में। जिस चीज का डर था वही हुआ, आईपीएल से एक खिलाड़ी इंजर्ड हुआ। केदार जाधव का फिटनेस रिकॉर्ड पिछले दो सालों में इतना अच्छा नहीं था, वो बार बार इंजर्ड हो रहे थे और फाइनली वो रिमेनिंग आईपीएल से बाहर हो गए हैं और विश्व कप में उनका खेलना संदिग्ध हो गया है। तो भारतीय मैनेजमेंट ने रिप्लेसमेंट सेलेक्टर से रिप्लेसमेंट की ढूंढ शुरू कर दी होगी। तो अगर हम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात करें तो उनका पहला लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट रहेगा सुरेश रैना। उन्हीं के सीएसके के टीममेट हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, नंबर चार पे खेल सकते हैं सबसे जरूरी बात, और उनका प्लस पॉइंट है फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। तो भारतीय टीम को अगर अपनी फील्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी तो रैना को ले जा सकते हैं। दूसरा नाम जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट पे आ रहा है वो है युवराज सिंह का। युवराज सिंह का 2011 में जो भारतीय टीम की कॉन्ट्रीब्यूशन था विश्व कप का, वो कोई भी क्रिकेट फैन आजीवन नहीं भूल पाएगा। युवराज सिंह एक अच्छे नंबर चार के एस्टैब्लिश बैट्समैन है, उनके बाद से भारत को कोई नंबर चार का बैट्समैन नहीं मिल पाया और वो स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो अगर उनको धोनी अच्छी गाइडेंस दें और बॉलिंग कोच में उनको प्रॉपर बॉलिंग मिले तो वो अच्छी बॉलिंग करके आपको विकेट्स भी लेके दे सकते हैं। हालांकि जब भारतीय टीम सेलेक्ट हुई थी तो उन्होंने कुछ बैकअप खिलाड़ियों के नाम दिए थे कि ये लोग विश्व कप में जाएंगे अगर कोई इंजर्ड होता है तो अंबाती रायडू सबसे पहला नाम लिया था उन्होंने। तो अंबाती रायडू फिलहाल प्रबल दावेदार दिख रहे हैं हमको विश्व कप की टीम में जाने के। दूसरा नाम जो हमको नजर आता दिख रहा है वो है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत ने ऑफ लेट जब से टीम से ड्रॉप हुए हैं अच्छी फॉर्म दिखाई है, आईपीएल में कुछ रिस्पॉन्सिबल नॉक्स खेली हैं, टीम को जीत के पार लेके गए। तो देखते हैं कि सेलेक्टर्स रैना और युवराज के एक्सपीरियंस के पास वापस जाते हैं जो कि नंबर चार के ऑलरेडी खिलाड़ी रह चुके हैं, या वो जाधव और पंत के करंट फॉर्म और उनके रीसेंट जो एक से दो साल भारतीय टीम ने उनको मौका दिया उस पे जाते हैं। हालांकि अगर हम आउटसाइड कंटेंडर की बात करें तो वो कृणाल पांडे भी हो सकते हैं, वो भी एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है और मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबल नॉक्स खेली है। तो अगर रोहित शर्मा कुछ रिकमेंडेशन देते हैं तो कृणाल पांडे का नाम भी आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और सबसे अहम चीज़ फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर करिए और उनका भी उनको फीडबैक लेके बताइए कमेंट्स के जरिए कि किस खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पे जाना चाहिए अगर केदार जाधव नहीं जाते हैं। तो इसके अलावा आईपीएल और विश्व कप से किसी भी तरह की जानकारी से खुद को रूबरू रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके उसी वक्त बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।